नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। साची हत्याकांड ने पूरे देश को एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आप देख रहे होंगे क्या हाथों पर कलावा बांध करके इसी तरीके से देश की बेटियों के साथ छलावा होता रहेगा। हम इस वक्त जेएनयू पर मौजूद हैं और जेएनयू की छात्राओं से बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर के ये लोग क्या कुछ सोचती हैं। मैम, पहले 36 टुकड़े किए गए, अब 16 बार चाकुओं से गोद करके एक और बेटियों को खो दिया देश ने। बिल्कुल, जब ये वीडियो सबके सामने आई तो पहली बात तो ये है कि जब वो चाकू मार रहा था उसको देख के ही लोग आधा वीडियो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब तक आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तब तक आपको देखने को मिलता है चाकू से मार दिया, वो बॉडी स्टील हो रही है, उसके बाद भी वो पत्थर लेके उसका सर फोड़ रहा है। तो ये कितनी क्रूरता प्यार के नाम पर, क्योंकि उसका तो बयान यही आया है कि उसने मुझे इग्नोर किया इसलिए मैंने मार दिया, तो ये कितना गुस्सा, कितनी क्रूरता। दूसरी बात, ये आज जो एक साक्षी के साथ हुआ है, पता नहीं ऐसे कितनी साक्षियों के साथ हो रहा होगा जो हमें मालूम नहीं है, और पता नहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं हुई तो कितनी साक्षियां और आगे आएंगी जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है जिनके बारे में समाज को शायद पता ना चले। तो आज अगर दिल्ली सरकार अपने कानून व्यवस्था को, अपने यहाँ के सिस्टम को, अपनी शासन व्यवस्था को कड़ी से कड़ी तरीके से नहीं रख पाता है तो उसे सिर्फ वोट पाने के लिए महिलाओं का यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। अगर वो सुरक्षा नहीं दे पाता है, बस को फ्री कर देना केवल ये एक माध्यम नहीं है महिला सुरक्षा के लिए अपना कोई एक एजेंडा लाना या कानून बनाना। आपको नीति कड़ी करनी पड़ेगी, आपको सुरक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी राजधानी है, ऐसी शैक्षणिक केंद्र है, ऐसा एक हब है जहाँ लड़कियाँ पढ़ने के लिए इसी उम्र में आती है। ये तो दिल्ली की लड़की है, बाकी लड़कियाँ पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आती है। अगर आप यहाँ सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो किस विश्वास के साथ बाकी माता पिता यहाँ पे अपने छात्राओं को पढ़ने के लिए भेजेंगे। 16 साल की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी, और उसके साथ इस तरीके की घटना हो जाती है, क्या लगता है पूरे देश के लिए एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है? और आपको क्या लगता है कि इस तरीके से कलावा पहन के, रुद्राक्ष पहन के, क्या लगता है कि एक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, बात ऐसी है, आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैं पूरा जो है बैकग्राउंड ले जाती हूँ केरला स्टोरी की मूवी में। हम उसमें देखते हैं, पूरी स्टोरी हम सबने देखी है कि कैसे जो मौलवी है उसको ट्रिगर करते हैं कि तुमने एक काम ढंग से नहीं किया, तुम्हारे दोस्त ने जो है उस लड़की का काम ऑलरेडी कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसे ही इन लड़कों को भी ट्रिगर कर रहे हो कि तुम एक लड़की को फंसा के नहीं ले आ पा रहे हो और तुम्हें जो हमने काम सौंपा है तुम वो नहीं कर पा रहे हो। यानी कि समाज में ऐसी घटनाएं घट रही है जिसकी वजह से केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को बनने की आवश्यकता आज हमारे समाज में आ पड़ी है। सीधी सी बात है, और कलावा बांधना ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास का प्रतीक हो जाता है। हम जाते हैं, माथा टेकते हैं, हम विश्वास के लिए बांधते हैं। पहले राखी के रूप में भी कलावा बांधते, रक्षा सूत्र भी उसे बोला जाता है। तो ऐसे रक्षा सूत्र को बांध के अगर आप हमारी बेटियों को, हमारे घर की बहनों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, और जब उसे शायद ये बात समझ में आ गई थी जिसकी वजह से उसने इग्नोर करना शुरू किया, और उस वजह से आप उसी बात का हवाला देते हुए आप कहते हो कि मैंने उसे मार डाला, उसे हल्की सी भी शर्म नहीं है, हल्की सी भी शासन पक्ष का या कानून का डर नहीं है। आपको लगता है कानून का फेल्योर है एक तरीके से? महिलाओं की जो सुरक्षा की बात की जाती है वो सब हवा हवाई है? बिल्कुल, केजरीवाल सरकार जो अपने एजेंडा में लाता है इलेक्शन से पहले कि महिलाओं के लिए ये करा जाएगा, वो करा जाएगा, वो सब खोखले वादे, हवा में उड़ने वाले वादे हैं। आज वोट पड़ जाएगा, कल वो पूरा भूल जाता है, अपना बंगला पूरा खड़ा कर लिया लेकिन एक छात्रा की सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते, वो अपना कानून नहीं ले पाते हैं। ऐसे दरिंदों के साथ, ऐसे लोगों के साथ, दिवालियापन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? उनको फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए, उससे अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं वो अपना बयान दे रहा है, उसके आंखों में डर नहीं है, तो डर क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता है कि कानून जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और 10 लाख रुपए दे दिए हैं परिवार, केजरीवाल ने परिवार को, खत्म बात। आपने बस लिख दिया है ट्विटर में कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, पर क्या करेंगे, क्या देंगे, आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। बस उसको पुलिस के हाथों पुलिस पकड़ के ले गई है, वो भी यूपी में जाके शायद उसको पकड़ा है, दिल्ली में भी आप ये पकड़वा नहीं पाए हैं। तो ये शासन की केंद्र, ये राज्य सरकार की जो शासन व्यवस्था है उसकी पूरी फेल्योर है कि आप जो है महिला सुरक्षा के लिए कुछ भी कदम नहीं उठा पा रहे हैं। सॉरी, योगी जैसा इन्हें शासन पक्ष में अगर ऐसा कड़ापन दिखाने वाला कोई हो तो बिल्कुल योगी जैसा हमें चाहिए। आपको लगता है योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है दिल्ली? योगी हो चाहे अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो अपने प्रदेश के शासन व्यवस्था को या महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता बिल्कुल दिल्ली प्रदेश में है। अब कोई ऐसी और साक्षी ना बन पाए तो अब क्या करना चाहिए? ऐसी और साक्षी ना बन पाए इसलिए समाज को, बिल्कुल, इसलिए समाज को जागरूक होने की सबसे पहले आवश्यकता है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, आप जिसे अपना भाई बंधु कह रहे हैं वो किस रूप में आपके पास आ रहे हैं, आप जिसे अपना दोस्त बना रहे हैं वो किस रूप में आपके पास आ रहे हैं। आपको सचेत होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि
इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा हमारा देश है, और यहाँ पे जब तक आप जन जागरूकता नहीं आएगी इस समाज में, तब तक शायद ऐसी चीज़ों को हम रोक नहीं पाएंगे। एक केरला स्टोरी बन गई है, इसमें भी प्रोपेगेंडा की बात की जा रही है। ये तो आज सबके सामने वीडियो आया, क्लिप आई, इसलिए हमने देखा, हमने सच का सामना किया, और फिर हम देखते हैं कि आतिशी वहाँ पहुँचती है या फिर बिंदा करात वहाँ पर पहुँचती हैं, तो उन्हें आज पहुँचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो लोग तो इन सब बातों को झूठा करार करते हैं, लेकिन वो पहुँच इसलिए रहे क्योंकि सामने सबूत आ गया, उसको झूठला नहीं पा रहे, इसलिए वहाँ पर जा रहे। जाने के बाद क्या कर रहे हैं? समाज को सचेत करने के अलावा वो अपना जो कमजोर है उसको छुपाते हुए एलजी के ऊपर फेंक रहे हैं कि एलजी जो है शासन व्यवस्था यहाँ पे काम। पुलिस केंद्र के अंदर में आती है, मतलब कि मोदी जी के अंडर में है ये सब। पुलिस केंद्र के अंदर में है ये बात, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की मिलके करना चाहिए ना। आप हर बात पे, हर चीज पे मोदी जी के ऊपर थोप देते हो। आपका राज्य है, आपको चलाना है। जब आपको बस फ्री करना होता है तब तो आप मोदी जी पे नहीं फेंकते हो। जब पानी गंदा हो रहा है, आप पानी फ्री नहीं करा पा रहे हो, जमुना की साफ सफाई नहीं करवा पा रहे हो, तब तो आप केंद्र पे नहीं फेंकते हो। तब आपके अंडर में आ जाता है, फ्री कराते हो, शराब बांट के आप वोट का वो करते हो। जब आप शराब नीति ले रहा रहे हो तब केंद्र से आपको कोई लेना नहीं है। जब आपका फेलियर हो रहा है तो आपको केंद्र याद आ रहा है। ये कैसे आपकी सरकार की राजनीति है? ये कैसे आपका सरकार शासन पक्ष? मैम आपका नाम क्या है? अब ऐसे कितनी साक्षियां जाती रहेंगी? मेरा नाम कृतिका है, और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो दिल्ली सरकार है, ये कुछ एक्शन इन पे क्यों ले रही है जो कि इस तरह का ब्रेन वॉश कर रहे हैं? जब हमें देखने को सामने सामने मिलता है कि ऐसे हमारे जेएनयू इस चीज़ में बहुत काफ़ी बदनाम कर रखा है पूरे देश भर में, कि जो कि छोटे घरों से जो लड़कियाँ आती हैं वो इधर आके पढ़ ना सके, क्योंकि पहले से इसका नाम बदनाम करता था कि इधर तो नशे होते हैं, ये होता है, ठीक है। तो इस पर दिल्ली सरकार क्यों नहीं कुछ काम कर रही है ऐसे विषयों पे, जिससे ना ये जो नैरेटिव बन रहा है ये ख़त्म हो। और इसमें हम सामने देखते हैं कि हमने पहले भी देखा, अंकिता तोमर का केस था, श्रद्धा वॉकर का केस था, ठीक है, निकिता का केस था, और उसके बाद फिर अभी केरला फिल्म आई, उस पर भी लोग बाग बोलने लगे थे कि इसमें कितने गलत है, नंबर से बात कर रहे थे। लेकिन आप आज क्या बोलो? आज भी आप ये बोलोगे कि अभी तो एक ही हुआ है, आगे जाके और होगा तब तो हम जाके आवाज़ उठाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उस जगह की जो जो बस्ती, जो गांव था जहाँ पे ये हुआ था, हाँ, वहाँ पे भी दिल्ली सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। कुछ पहले से अगर ऐसी चीज़ें होती आ रही थी, पहले भी मर्डर हो रहे थे, चलो ठीक है लव जिहाद का याला हुआ, लेकिन पहले भी तो मर्डर वगैरह के केसेस थे, उसमें भी आपने कुछ नहीं लिया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलेगी, मतलब। और लव जिहाद जो ये जो थी, उसने अपना पूरा रूप वगैरह बदल के इस तरह से लड़की को फंसाया था, और भी महिलाओं से उसके संबंध इस तरह का देखने को मिला कि 22 और छात्राओं से ऐसे वो बात करता, तो ये एक तरह का ट्रैप ही हुआ ना कि वो और लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी, मुझे तो लगता है कि ये हमारे लिए भी बड़े शर्म का मतलब समय है कि ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कल को हमारी अगर कोई माँ या बहन के साथ ऐसा कुछ होता है रोड पे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो मतलब इस तरह से लोग बाग देख के निकल जाएंगे बस। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी गलत हो रहा है, और दिल्ली सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। पर मुझे लग नहीं रहा है कि जिस तरह से उनकी गति है, जिस तरह से उसको फोकस कर रहे हैं इस इंसिडेंट को, कि वो कुछ कर सक पहुँचाई केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए। पैसों से क्या होता है, जान चली गई ना। कल को अगर हमारे किसी घर में होता तो हम उस इंसान को वापस नहीं ला सकते ना। आप पैसे देते रहो, 10 लाख दो, 50 लाख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब तक उससे पहले की अगर आप प्रिकॉशंस नहीं करके रखेंगे कि क्या चीज़, मतलब उधर अवेयरनेस ड्राइव चलाते हो, तो पुलिस का मतलब थोड़ा आप बढ़ाते हो उधर, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए ना पहले से। और उधर की शिक्षा को अच्छा मजबूत करते हैं। आप इतना अभी बोलते कि इतने स्कूल खुल गए, इतने ये खुल गए, ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों में शिक्षा ही नहीं है, उस लड़की ने इतने दिन दहाड़े ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो इससे यही हमें समझ में आता था कि उसको शिक्षा नहीं थी, क्योंकि एक शिक्षित इंसान ऐसा नहीं करेगा। तो ये स्कूल वगैरह के जो आप ढोंग करते हो, प्लीज़ बंद कर दीजिए, अगर आप इनको शिक्षित नहीं कर सकते हो लोगों को, ये जो मॉरल एजुकेशन होती है वो नहीं दे सकते हो कि। तो मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या है। ऐसे कितनी बेटियां जाती रहेंगी? कल जो, परसों जो इतनी दर्दनाक घटना हुई दिल्ली में, उस घटना का क्या सच में राजधानी दिल्ली है ये? क्या सरकार सच में यही कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? बसों को फ्री कर देना या फिर ऐसे ऐसे पॉलिसीज ले आना जिससे उनकी सेफ्टी में, सेफ्टी तो वैसे ही है उनकी, मतलब आप क्या आप समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में ऐसी ऐसी इतनी फ्रीक्वेंटली इतनी घटनाएं होते जा रही है, और वो भी कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लड़कों के द्वारा, तो क्या इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सरकार का कर्तव्य नहीं है? क्या ऐसी ऐसी
और इतनी ज़्यादा फीमेल्स जो कुछ सालों में जो इतनी बुरी घटनाएं हुई, इतना जो सोचा नहीं जा सकता है वैसी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, लड़कियों के साथ हो रही है, और फिर उसके बाद आप ये बोल रहे हैं ये डेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली का और ये लड़कियां लड़कियों को बस में फ्री करके वहाँ पर स्कूल जा रही है लड़कियाँ और ये सारी चीज़ें क्या ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे सीधे इनके साथ तो फांसी होना चाहिए, इनको फास्ट ट्रैक लॉ के तहत इनको जल्द से जल्द फांसी करवाई जाए ताकि ये इनकी ताकि दूसरे किसी लड़के की हिम्मत ना हो कि जो किया वो कर पाए। जैसे साक्षी के साथ हुआ वैसे और एक लड़की हम लोग और नहीं सहन कर पाएंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। मैम आपका क्या? मेरा नाम तान्या है। जब पहली बार वीडियो देखा तो क्या मन में आया, क्या सोचा? वीडियो देख के मेरे को बस यही लग रहा था कि वहाँ पे लोग इतने सारे घरे थे, मतलब 10 लोग से भी ज़्यादा, लेकिन किसी ने आके कुछ नहीं किया। बस वो लोग एक दर्शक, एक जैसे स्पेक्टेटर्स हैं, अमीचर होते हैं ना कि आप फ़न के लिए कुछ देख रहे हो, जैसे कोई सीरीज चल रहा है आपके सामने, आप देख रहे हो क्राइम वाला मूवी, बस देख के इतना ही, और कुछ आके उन्होंने कुछ किया नहीं, ना ही बोला। अगर दो लोग भी आके मे बी उसका हाथ पकड़ते या कुछ करते तो वो लड़की आज जिंदा होती, हमारे बीच होती। क्या लगता है समाज में कहीं ना कहीं जागरूक नहीं हो पा रहे हैं लोग, जिस वजह से ये बच्चियां जा रही हैं? जागरूक भी नहीं हो पा रहे, और जैसे कि हम ये देखते ना हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में भी हमेशा लव जिहाद को रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है, जैसे कि हीर रांझा, जोधा अकबर, बट हम इसके रेपरकशंस के बारे में कभी बात नहीं करते। हम अपनी बच्चियों को कभी ये नहीं बताते हैं कि जो मूवीज़ में दिखाया जा रहा है रियलिटी उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट है। हमने ये भी सुना होगा कि लव जिहाद जो है एक छोटा सा इशू है या फिर एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल वॉर है। हमने पढ़ा भी है पॉलिटिकल साइंस में कि एक सैमुअल पी हंटिंगटन ने बोला था कि अब जो आने वाली जो भी कोई वॉर है वो वॉर जो होगी वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होगी, तो वही ये वॉर छिड़ चुकी है। इसीलिए हमें ये लगता है कि लोगों को मूवीज़ देखनी चाहिए जैसे कि द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स। क्या लगता है ये सब सोची समझी साजिश के तहत कराया जा रहा है पूरे देश में, ऐसे नेटवर्क काम कर? हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि ये सिविलाइजेशनल वॉर है, इसीलिए आपको इस पर पढ़ना होगा, मूवीज़ देखनी होगी और अपने लाइफ को चेंज करना होगा, और फिर अवेयर होना होगा कि आप किसके साथ बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो, उनका उस फ्रेंडशिप के पीछे क्या मोटिव है। चलिए आपका मैम क्या नाम? उन्नति। क्या ये जब देखा आपने इस घटना को तो कैसे देखती हैं? सबसे पहली बात, जब आप सब ने भी ये वीडियो देखा होगा, जब आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा जो वहाँ पर आसपास लोग थे उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, किसी एक इंसान में हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर उस आदमी को रोके, साहिल को रोके और साक्षी की जान बचाए। तो इससे आप एक बात तो साफ हो जाता है कि वहाँ के जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर ऐसी घटनाएँ आए दिन होती रहती है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि लोगों के मन में वहाँ पर डर है। जो लोग देख कर गुजर रहे थे उनके मन में वो डर है, उन लोगों का या उनके ग्रुप का डर रहा होगा, तभी उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि उस आदमी को रोके, जबकि वहाँ पे वो इकलौता आदमी था और 10 से 20 लोग तो वहाँ पर थे। अगर उन सारे लोगों की हिम्मत होती, अगर उनमें जरा हिम्मत होता तो वो उन्हें रोक सकते थे और साक्षी को बचा सकते थे। इससे साफ पता चल रहा है कि उन लोगों का वहाँ पर कितना खौफ है। और दूसरी बात कि जब वहाँ पर ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है तो दिल्ली गवर्नमेंट कर क्या रही है? दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पर आज तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? चलिए ये घटना तो सीसीटीवी में हमारा कैद हो गया था, तो मतलब आप कह सकते हो मेन स्ट्रीम में ये वीडियो आ गया, इसलिए उसके घर पर 10 लाख रुपए या उसे 10 लाख रुपए देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बट और जिन मामलों का खबर न्यूज़ में नहीं आ पाया या मीडिया में नहीं आ पाया, उन मामलों के लिए आप क्या करेंगे? उन मामलों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? दिल्ली गवर्नमेंट को जगाने के लिए और कितनी साक्षियों का मतलब को कुर्बान होना पड़ेगा? कब जाकर दिल्ली गवर्नमेंट जागेगी? सुरक्षा के नाम पर दिल्ली गवर्नमेंट, महिला अगर आप बात करो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट लाती है, क्या लाती है कि बस में फ्री सर्विस आप दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आप सुरक्षा के लिए, हाँ एग्जैक्टली, आप फ्री दारू दे रहे हो लेकिन आप सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हो? क्या आप अपना एक प्लान बता दो पिछले कई सालों में जो आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया है? मुझे एक भी ऐसा कोई उनका आप कह सकते हो पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ की छात्राओं या यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया था। तो सबसे बड़ा फेल्योर तो यहीं पर दिल्ली गवर्नमेंट का दिख रहा है कि वो
महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है। वो गलती से वीडियो लीक हो गया तो मामला सामने आ गया, तो चलिए ठीक है हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप 10 लाख रुपए से किसी की जान की कीमत नहीं लगा सकते हो, जान को आप पैसों में नहीं तोल सकते हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से दिल्ली में क्या बेटियाँ सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ की बेटियाँ सुरक्षित है। अगर सुरक्षित होती तो ये मामला, और सबसे बड़ी बात जो साहिल था वो बहुत ही प्राउडली, उसे उसके अंदर जरा भी गिल्ट नहीं था, वो बहुत ही प्राउडली कहता है वो लड़की मुझे इग्नोर करी थी, मैंने मार दिया, वो कहता है। प्लस साथ ही उसके भाई, जो भी उसका भाई था, उसका भाई भी प्राउडली कह रहा है कि अरे हाँ ठीक है उसने कर दिया, क्या गलत किया। ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इससे आप साफ साफ देख सक रहे हो कि कितना संवेदनहीन हो रखे हैं लोग, कितने संवेदनहीन हो रखे हैं। इसके ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, क्योंकि जब तक इनके अंदर जुर्म करने के बाद इनको लगता है क्या होगा, पैसा देंगे हम छूट जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने जेल में रह लेंगे, उससे क्या होगा, बच कर तो हमें निकल ही जाना है। तो अगर जब तक उनके मन में डर नहीं होगा, उसे कोई उनके लिए कोई कड़ी कार्रवाई, कोई कड़ी मतलब आप फांसी जब तक आप उसे नहीं दोगे, जब तक उनके अंदर डर पैदा नहीं होगा, तब तक ऐसे लोग ऐसे कुकर्म करने से नहीं रुकेंगे। मैम क्या लगता है कि ये आजकल रुद्राक्ष और कलावा एक तरीके से अपनी पहचान छुपाने के लिए प्रयोग हो रहा है क्या? बिल्कुल, कलावा और जो रुद्राक्ष है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही कोई नहीं पहनता है। तो ऑब्वियसली एक तरीके से आप एक नकाब के पीछे, आप में इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि आप अपना रियल फेस लेके सामने आओ, अगर आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी है। एग्जैक्टली, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आप अपना रियल नेम और रियल आपके जो भी फीचर्स है आप उसको सामने रखो, आप किसी के नकाब के पीछे छुप कर आ रहे हो। यही दिखाती है कि आप, आपके बुरे इरादों को ये साफ साफ दिखाती है कि आपका इसके पीछे क्या बुरा इरादा है। चलिए, ये तमाम सारी छात्राएं थी जेएनयू की जिनसे मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मैंने सोचा छात्राओं से ही बातचीत करते हैं, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के ये तमाम सारे लोग क्या कुछ कहते हैं, और जिस तरीके से मतलब कि कलावा रुद्राक्ष इस तरीके के बांध करके लगातार चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो क्या इस तरीके से पूरा नेटवर्क एक तरीके से काम कर रहा है? फिलहाल अभी के लिए इतना।